हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ नहा धोवा के, येलो कलर का ड्रेस पहन के। और थोड़ी देर में पंडित जी आने वाले हैं तो मैं आरती करूँगी। और क्योंकि पति देव जी को टाइम नहीं मिल पाता है शाम का टाइम, क्योंकि शॉप पे थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो शाम का टाइम मैं ही करती हूँ। और ऐसे भी मेरे घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है, तो मैं नहा धोवा के आरती करती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से जय जम गया, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। कितना सुंदर जमा हुआ है, एकदम बहुत सुंदर है। माता रानी की ऐसी कृपया बने रहे, दुर्गा माँ का ऐसी कृपया बने रहे हम लोग पे, और आप सभी का हर मनोकामना पूरा कर रहे दुर्गा माँ। और मैं चाहती हूँ कि मतलब दुर्गा माँ इतना आशीर्वाद है कि मैं हर साल मेरे घर में पूजा हो, नवरात्रि हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। माँ दुर्गा की कृपया है कि जो हम लोग घर में कलशा स्थापना करते हैं, और इसी तरह हर साल माता रानी कृपया बनाए रखें। और देखिए कितनी सुंदर से, और मेरी माता रानी को देख लीजिए, नव दुर्गे रूप है। आज पंचमी है, आज पंचमी का दिन है, कल षष्ठी है। तो कल पंडित जी बोले हैं नवग्रह जो होता है, तो कल नवग्रह होगा, उसके लिए मुझे चावल कलर करना होगा, तो रात में मैं चावल कलर करूँगी। सो चलिए, और मैं अभी थोड़ी देर में आरती करूँगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे मैं चावल कलर कर रही हूँ, चार कलर का पंडित जी बोले थे, तो हरा, पीला, लाल और काला। तो मैं यहाँ पे लाल कलर कर रही हूँ, और जो कलर था बहुत उसमें चिपका हुआ था, तो मैं यहाँ पे करके रख देती हूँ। और थोड़ी देर बाद मैं पंडाल जाऊँगी, पंडाल में बहुत अच्छा पूजा होता है, आरती होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब संतुष्टि मिलता है। और देखिए मेरा जय कितना अच्छा जब मैं, इतना संतुष्टि लगता है, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए मैं चावल पहले कलर कर देती हूँ। और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोग को ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पे रोड लाइटिंग ऐसे किया हुआ है, साइड मेन रोड है, रोड पे इस तरह से लाइटिंग किया हुआ है। यहाँ तो पूरा वहाँ तो ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा लाइट है तो हम क्या करें? मैं अभी जा रही हूँ पंडाल में, आरती का टाइम है, तो मैं घर से आरती वगैरह करके अभी जा रही हूँ पंडाल। और देखिए कितने अच्छे से सजावट हो चुका है। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरा नाम अगस्त्या दास, मैं संत बैठी स्कूल में जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, और आज यहाँ पे षष्ठी है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे ये बेल पत, जो बेल का पेड़ होते हैं, वहाँ पे निमंत्रण होता है। मैं भी फर्स्ट बार देख रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे सजावट किया हुआ है, देख लिए गाइस, लाइट भी पूरा है। आपको भी आना पंडाल में आइए। और यहाँ पे जो पंडाल अभी पूरी अच्छी तरह से नहीं बना, फिर भी अभी बन गया है, क्योंकि अभी दो दिन टाइम है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मंदिर का गेट है पंडाल का, और यहाँ पे बहुत भीड़ लग जाता है, आरती होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, देखिए इस तरह से सजावट अभी कंप्लीट हो गई, अभी तो कंप्लीट होगी, अभी तो इसी तरह अभी किया जा रहा है। आज मूर्ति जी आए हैं, ज्ञान वैराग सिद्धियर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। Thank you.
आरती हो चुका है और परिक्रमा करने के लिए यहाँ पे फूल मिलता है सबका हाथ में। परिक्रमा करने के बाद फूल को आप रख दीजिए और बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे फूल लेकर परिक्रमा करूँगी और उसका बाद में प्रसाद वगैरह आरती लगेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से मूर्ति जी रख और यहाँ पे अलग से पंडाल बना हुआ है। यहाँ पे एक दुर्गा जी का फ्रेम फोटो लगेगा और यहाँ पे रात में जागरण होगा, लड़की लोग दुर्गा जी बनती है। तो मैं नहीं गई थी जागरण में क्योंकि मैं किट्टू को लेके घर में सो गई थी, मम्मी आए तो बहुत अच्छा यहाँ पे हुआ था जागरण। देखिए इस कुछ इस तरह से सजावट है, यहाँ पे दुर्गा माता जी फ्रेम फोटो है, यहाँ पे फूल से सजाया जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है। फंक्शन होता है बहुत अच्छा लगता है। तो मैं नहीं आई थी, बहुत अच्छा जागरण हुआ था। तो देखिए कितना अच्छा सजावट किया हुआ है, बहुत अच्छा सजावट किया हुआ है। अभी तो अभी पूरी अच्छी तरह से जब अश्विन नवमी को यहाँ पे किट्टू वारू इन लोग का इंजॉय हो रहा है, रात का 8:30 हो रहा है, ये लोग तीनों खेल रहे हैं। देखिए जो इन लोग का बचपना होता है कितना क्यूट होता है, कितना अच्छा लगता है। जब लोग बड़ा होगा तो खुद अपना बचपन देखिएगा कि मैं कैसे खेलता था। और आरू तो एकदम मस्त है, अपने मगन में खेल रही है, इसको फ्री मिला खेलने के लिए। और यहाँ से जब हम लोग जागरण से आए थे मतलब पंडाल से, तो यहीं पर हम लोग बैठ के थोड़ा सा अपना गप्पे लड़ा रहे थे। उसको देखिए गिरा है, गिरेगी ना तुम्हारे सब पैर हाथ गंदा कर रही है। हमको खाली रोटी सेकेंगे देंगे तो। और ये नेक्स्ट डे है तो यहाँ पे मैं नहा धोकर सुबह सुबह धोबिया घास लेने आ गई हूँ पूजा के लिए। तो मैं पंडित जी के आने के पहले सारा तैयारी करके रख देती हूँ। फिर जो धोबिया घास होता है गणेश जी के मूसे को खाने के लिए होता है पूजा के लिए, ऐसे बोला जाता है। और यहाँ पे मैं बेलपत्र तोड़ूँगी और तुलसी पत्ता तोड़ के ले जाऊँगी। तो पहले यहाँ पर मैं उधर जो दुबिया घास में तोड़ रही थी वो थोड़ा सूखा सूखा था, यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन है, तो मैं वही तोड़ रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद बेलपत्र तोड़ूंगी। Thank you.
और यहाँ पे मैं बेलपत्र तोड़ कर घर जा रही हूँ अभी। और देखिए कितना तेज़ धूप निकल गया, अभी टाइम जो हो रहा है 9:30 हो रहा है, बहुत तेज़ धूप निकल गए हैं। और यहाँ पे जो चाचा चाची रहती हूँ अभी बाहर गए हुए, अभी मैं बेलपत्र तोड़ कर जा रही हूँ अपने घर। फिर से मैं वापस अपने घर आ गई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बेलपत्र वगैरह रख कर मैं मिठाई खरीदने आई थी भोग लगाने के लिए। और यहाँ पे दीदी आके यहाँ पे क्लीन वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे डेली जो भोग लगता है वो उतर भी जाता है और यहाँ पे साफ़ सुथरा क्लीन किया जाता है, क्योंकि मंदिर है तो मंदिर हमेशा क्लीन रखना चाहिए। आई होप ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और अभी के लिए बाय बाय, और दुर्गा माँ आप लोगों को